हाँ, कहते हैं ना कि इश्क की उम्र लंबी होती है। भाभी जी को मैंने याद किया और उनका फोन आ गया। मतलब तो यही सोचता है कि बस भाभी जी को याद करते रहें, कभी वो सामने आ जाएं, कभी उनका फोन आ जाए। हेलो बेबी, आई मीन भाभी जी। हेलो भरभूति जी, अका है ना कि हमको आपको एक जरूरी बात बताना है। I'm all ears. आप क्या बोले? क्या बोली भाभी जी? कहा है ना कि हम आपके साथ वो फिल्म देखने नहीं आ पाएंगे। भाभी जी क्या बात कर रही हैं? मेरे हाथ में टिकट थे और एक टिकट 1500 रुपए की। भाभी जी हाँ, हमको पता है कि आप विकेट ले लिए होंगे, लेकिन विकेट वापस कर दीजिए आप। भाभी जी ऐसे वक्त आप गलत अंग्रेजी बोल रही हैं। एनीवे वो टिकट होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं, अब वापस कर दीजिए ना। क्या भाभी जी ये क्या बात कर रही है? हमने 2000 रुपए प्रति टिकट के हिसाब से ब्लैक में टिकट खरीदा है भाभी जी, सब बर्बाद हो जाएगा, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अरे नहीं तिवारी जी, टिकट्स क्यों बर्बाद होंगे? आप अंगूरी जी को बुला लीजिए ना, उनके साथ फिल्म देखिए। भाभी हम आपको पहले बता चुके हैं ना, अंगूरी नहीं आ पाएगी। तो एक काम कीजिए ना, आप अपने किसी दोस्त को बुला लीजिए, उसके साथ देख लीजिए फिल्म। अब ऐसा हमारा कोई दोस्त भी नहीं है। तिवारी जी आप एक काम क्यों नहीं करते, आपने 2000 की टिकट लिए है ना ब्लैक में, आप ना उसे दोबारा ब्लैक में बेच दीजिए 2500 में। देखिए दो टिकट पे आपको 1000 का मुनाफा भी हो जाएगा, है ना? समझते नहीं है तिवारी जी। अरे मैं अपने हस्बैंड के साथ फिल्म देखने जाऊंगी, उनके साथ क्यों जाऊंगी? अका है ना कि घर का बहुत सारा काम भी पड़ा है, और ये जो फिल्म है ना दगाबाज भौजी, इना हम लड्डू के भैया के साथ देखेंगे। हाँ इसीलिए ना ही आ पाएंगे। अच्छा चलिए रखते हैं भाई भाई, ठीक बा भाई। भाभी जी इसे कहते हैं इनोसेंट बॉटम प्लेयर, मेरा विकेट गिरा के क्या स्मार्टली चली गई। वेल प्लेड भाभी जी, वेरी वेल प्लेड। लेकिन अब मैं सिगरेट से क्या करूं? ये यहां क्या कर रहे हैं बे? आप यहां क्या कर रहे हैं? शतरंज खेल रहा हूं। शतरंज? यहां कुछ ऐसा कुछ नजर तो आनी शतरंज टाइप का कुछ? कितना ऑब्वियस सवाल पूछ रहे हैं आप। सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा हूं, हाथ में तो टिकट से, पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, मतलब सिनेमा देखने आए? यस। तो चलिए फिर, टिकट तो हमारे पास भी है। हाँ देखिए। एक्चुअली हाँ मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल आई हूँ देखिए। ठीक है तो चलिए फिर साथ ही। हाँ आप मायने हो मिसेस साहब, चलिए है चलिए। यार भाभी जी ने ना एन वक्त पे धोखा दे दिया, मुझे पहले से शक था। काश भाभी जी हमारे साथ फिल्म देख रही होती तो कितना आनंद आता, हम कह नहीं सकते। लेकिन भाभी जी ने तो हमें धोखा ही दे दिया, अब इस नल्ले को पूरी फिल्म में झेलना पड़ेगा। इस कच्चे बनियान को 2-3 घंटा कैसे झेलूंगा मैं? बाय गॉड, भाभी जी को नहीं आना था तो ना आती, लेकिन इस घमट्टे को क्यों भेज दिया?